चलिए आज हम करेंगे क्लास सिक्स मैथ्स की एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास में जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास में है 2/3, हमने इसके साथ में ऐड करना है 1/7 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास में 3 और 7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो 7 है इसे हम क्रॉस में इस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, इस डिनोमिनेटर को क्रॉस में हम इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम क्रॉस में इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटू कर लेंगे, तब हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, हाँ। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, अभी हमने 7 से ना क्रॉस में 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 2 जो हो जाएगा यहाँ पर 14, बीच में है प्लस। फिर हमने 3 से क्रॉस में इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बन जाए यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर हमने डिनोमिनेटर में इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटू कर लेना है, 3 × 7 = 21 होता है, तो नीचे आ जाएगा 21। अब 14 + 3 होता है 17, नीचे है 21, तो ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का फाइनल आंसर। जब हमने 2/3 को 1/7 के साथ में ऐड किया तो हमारे पास में आ गया 17/21, तो ये आ गया ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमने 3/10 को ना ऐड करना है 7/15 के साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनमें 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के, ठीक है, यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के दोनों इन रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ऑफ 10 और 15 होता है हमारा 30, है ना। तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को ना यहाँ पर 30 बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में पहले तो है 3/10, अगर हम नीचे 10 को 3 से इंटू कर दे तो डिनोमिनेटर हमारा 30 बन जाएगा। अब हमने नीचे वाले नंबर को अगर 3 से इंटू किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग बना रहे हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा नंबर वो है 7/15, इसके डिनोमिनेटर में भी हमने 30 को बनाना है। अब देखो 15 × 2 = 30 होता है, नीचे हमने 2 से इंटू किया तो ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे, हाँ। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 3 × 3 यहाँ पर 9, नीचे 10 × 3 = 30 हो जाएगा, फिर प्लस 7 × 2 = 14 यहाँ पर हो जाएगा, नीचे 15 × 2 = 30 यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं तो इनका एलसीएम यहाँ पर 30 आ जाएगा, है ना। अब ऊपर 9 + 14 हो जाएगा, है ना, ऊपर 9 + 14 हो जाएगा, नीचे 30 तक डिनोमिनेटर, तो हमने 30 को एलसीएम ले लिया। अब 9 + 14 हमारा होता है 23, ठीक है, ऊपर तो ये हो गया हमारे पास में 23, नीचे 30 है, ठीक है। अब हम इनको रिड्यूस भी नहीं कर सकते, सेम नंबर से ये कटते भी नहीं है, तो ये आ गया हमारा बी पार्ट का फाइनल आंसर। बी पार्ट में हमने जब दोनों रैशनल नंबर्स को जोड़ा, इन दोनों रैशनल नंबर्स को जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 23/30। ये अब हम करते हैं क्वेश्चन का सी पार्ट। क्वेश्चन के सी पार्ट में हमने 4/9 को ऐड करना है 2/7 के साथ में। अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्रॉस में 7 से पहले 4 को इंटू करेंगे, हाँ, इसके साथ में, तो आएगा हमारे पास में 28। फिर इसके बाद में हम 9 से क्रॉस में इस न्यूमरेटर को इंटू करेंगे, 2 को इंटू करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 18। दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐड का साइन है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटू करना है, तो 9 × 7 = 63 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या 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 किया हमने, हमने पहले 7 से क्रॉस में इस 4 को इंटू किया, ठीक है, तो आ गया यहाँ पर 28। फिर हमने 9 से क्रॉस में इस 2 को इंटू किया तो यहाँ पर आ गया 18, ठीक है। फिर हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटू कर लिया तो 9 × 7 = 63 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब 28 को हम 18 के साथ में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 28 और 8 होता है 36, 36 और 10 हो जाएगा 46, तो ऊपर आएगा 46 एंड नीचे आएगा हमारे पास में 63, है ना। अब देखिए सेम नंबर से तो ये ऊपर नीचे कट नहीं सकते, तो ये आ गया हमारे सी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन के डी पार्ट में हमने 5/7 को ऐड करना है 1/3 के साथ में। दोनों के डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से ऐड करेंगे, ठीक है। हम इस डिनोमिनेटर से क्रॉस में हम इस न्यूमरेटर को इंटू करेंगे, तो 3 × 5 हो जाएगा 15, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इस डिनोमिनेटर से क्रॉस में इस न्यूमरेटर को इंटू करना है, तो 7 बन जाएगा
सेवन, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर सेवन लिखेंगे। फिर हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटू करना है, तो सेवन थ्री जो 21 हो जाएगा ना आपस में इंटू करने पर, तो नीचे आएगा 21। अब 15 प्लस 7 होता है 22 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 21। अब देखिए ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो यहाँ पर जो ये हमारा फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम नीचे वाले नंबर से, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, तो हम 21 से 22 को डिवाइड करेंगे। 21 वन जो हो जाएगा 21, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 1 रिमाइंडर बच गया। अब देखिए जितना रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम डिवाइज़र को लिखते हैं जो कि है 21, एंड जो ये आंसर होता है क्वेश्चन इसके हम आगे लिखते हैं। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर लिख लिया, तो आगे हमारे पास में आंसर 1 upon 21, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो सी पार्ट में जो रैशनल नंबर्स हमारे, सॉरी डी पार्ट में जो रैशनल नंबर्स हमारे पास में थे उनका सम हमारे पास में आ गया 1 upon 21। तो ये आ गया डी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट। क्वेश्चन के ई पार्ट में हमने 2 upon 5 को ऐड करना है 1 upon 6 के साथ में, ठीक है। अब देखिए हमने 2 upon 5 को ऐड करना है 1 upon 6 के साथ में, दोनों के डिनोमिनेटर्स में है 5 and 6 है ना, यहाँ पर 5 and 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 है, क्रॉस में हम इस 2 को यहाँ पर इंटू करेंगे, है ना, तो 6 2 जो यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर 5 से क्रॉस में हम इस 1 को इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, बीच में प्लस से प्लस लगा लिया। फिर इसके बाद में हम नीचे नीचे इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 5 6 30 हो जाएगा, उसको हम नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, है ना। अब देखिए 12 प्लस 5 होता है 17, ऊपर हो गया 17, नीचे आ गया 30। तो ये आ गया हमारे पास में ई पार्ट का फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने ई पार्ट में जो दोनों नंबर से उनको यहाँ पर जोड़ लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में ई पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एफ पार्ट में हमारे पास में है 4 upon 5 प्लस 2 upon 3। यहाँ पर भी इन दोनों डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्रॉस में इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 3 4 जो हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आएगा 12, बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर हम इस डिनोमिनेटर से क्रॉस में इस न्यूमरेटर को इंटू करेंगे, है ना, तो 5 2 जो यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके बाद में हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में इंटू करना है, 5 3 15 होता है, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लेना है। अब 12 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास में 22, नीचे है 15, है ना। अब देखिए ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो इस प्रकार से आंसर लिखना सही बात नहीं है। तो यहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 से ना 22 को डिवाइड कर लेंगे, 15 बन जा होता है 15, माइनस करने पर बचेगा 7, डिनोमिनेटर 7 है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे, नीचे जो ये डिवाइज़र है 15 इसको हम नीचे लिखेंगे, है ना, इसको हम नीचे लिखेंगे डिवाइज़र को, एंड जो ये क्वेश्चेंट है इसको यहाँ पर हम आगे लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 7 upon 15। तो ये आ गया हमारे पास में एफ पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का एच पार्ट। क्वेश्चन के एच पार्ट में हमारे पास में है 5 upon 6 माइनस 1 upon 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं 6 and 3, ठीक है, इनमें 3 कॉमन होता है, 3 जो है दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर एलसीएम मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 and 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 and 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम होता है 6, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में 6 बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर है 5 upon 6, इसका जो डिनोमिनेटर है वो पहले से 6 है, तो इसको 6 बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर है ये पहले से 6 है तो इसको 6 बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा जो नंबर है माइनस के बाद में है 1 upon 3, है ना, अब यहाँ पर हम इसको 6 बना सकते हैं, तो हम इसको 3 को जब हम 2 से इंटू करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 6 बन जाएगा। अब हमने नीचे वाले नंबर को अगर 2 से इंटू किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो नंबर है वो बैलेंस रहे, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर तो है 5 upon 6, फिर माइनस, अब 1 2 जो हो जाएगा 2, नीचे 3 2 जो हो जाएगा 6। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो हम इनका एलसीएम 6 ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 minus 2, तो ऊपर हो जाएगा 5 minus 2, दोनों का डिनोमिनेटर 6 था तो 6 तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया, है ना, एलसीएम 6 आ गया। फिर हमने ऊपर था 5 minus 2, तो हमने लिख लिया 5 minus 2, 5 minus 2 होता है 3, 3 upon 6 ये हो जाएगा, 3 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 upon 2, ठीक है। तो हमारे पास में एच पार्ट का आंसर आ गया 1 upon 2,
चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का आई पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो हैं 2/3, फिर है +3/4, फिर है +1/2। अब देखिए इन तीनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हम 3, 4 और 2 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इस प्रकार से निकालना चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर तो 1 है ही है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। तो देखिए इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों डिनोमिनेटर्स का यहाँ पर हमारे पास में एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 जो कि होता है 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास में आ गया 12, तो हमने इन तीनों डिनोमिनेटर्स को ना 12 बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 2/3, इसको इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से इंटू करेंगे, है ना, 3 4 जा 12 होता है इसलिए। अब दूसरा नंबर है 3/4, इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से इंटू करेंगे, क्योंकि 4 3 जा होता है 12, है ना। एलसीएम हम 12 निकाल चुके हैं ना। अब देखिए हमारा जो तीसरा नंबर यहाँ पर है वो है 1/2, इसके डिनोमिनेटर को हमको जब 12 बनाना है तो ऊपर नीचे हमको 6 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 6 जा होता है 12, है ना। अब देखिए 2 4 जा हो जजाएगा 8, नीचे हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर प्लस 3 3 जा हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12, फिर प्लस 1 6 जा हो जाएगा 6, 2 6 जा हो जाएगा नीचे यहाँ पर 12। तो देखिए हमने तीनों के डिनोमिनेटर्स को 12 बना लिया। अब इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 12, ठीक है। ऊपर है 8 तो लिखेंगे 8, फिर बीच में है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है 9 तो लिखेंगे 9, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है 6 तो लिखेंगे यहाँ पर 6। तीनों डिनोमिनेटर्स 12 हैं, इनका एलसीएम यहाँ पर हमने 12 लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए 8 और 9 होता है 17, 17 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 23, अपॉन में है 12, ठीक है। अब देखिए ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, जो यहाँ पर फ्रैक्शन आया है इसमें ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे, तो हम 12 से ना 23 को डिवाइड करेंगे, हाँ 12 1 जा होता है 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11, रिमाइंडर बच गया 11, 11 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइजर हमारा 12 है, ये नीचे आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है 1 यहाँ पर आगे आएगा, तो हमारे आई पार्ट का आंसर आ गया 1 11/12, तो ये आ गया हमारे पास में आई पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन के जे पार्ट में हमारे पास में है 1/2 + 1/3 + 1/6। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 6, तो हमने तीनों डिनोमिनेटर्स को 6 बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर हमारे पास में है 1/2, अगर हमने इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो हमको इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, अब नीचे 3 से इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर है 1/3, हमने इसके डिनोमिनेटर को अगर 6 बनाना है तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 2 से इंटू किया तो ऊपर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब जो तीसरा नंबर है वो है 1/6, ये तो पहले से 6 है तो इसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर 1 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 3 एंड 2 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 6, है ना। 1 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 2, नीचे 3 2 जा हो जाएगा 6 एंड जो तीसरा नंबर है वो है 1/6, ठीक है। इसके नीचे तो पहले से 6 है ना। अब देखिए हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 6 बना लिया, ये पहले से 6 था, तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए ऊपर यहाँ पर है 3, ऊपर है 3, फिर बीच में है प्लस, फिर है 2, फिर है प्लस, फिर है 1, है ना। अब देखिए 3 + 2 + 1 हो जाएगा 6, तो ऊपर हो गया 6, नीचे भी है 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास में जे पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का के पार्ट। क्वेश्चन के पार्ट में हमने 1 1/3 को ऐड करना है 3 2/3 के साथ में, है ना, इनको हमने ऐड करना है। अब देखिए 1 3 जा होता है 3, तो 1 × 3 यहाँ पर आएगा, फिर प्लस 1 ऊपर है एंड नीचे तो 3 हो जाएगा ना। अब हमने 3 3 जा 9 करना है, तो 3 × 3 यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए ना, और ऊपर वाले नंबर को हमने ऐड करना होता है ना, तो नीचे तो 3 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको इसके साथ में इंटू किया यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके बाद में हमने ऊपर वाला 1 जो है यहाँ पर ऐड कर लिया है ना, फिर इसके बाद में हमने 3 से 3 को इंटू किया यहाँ पर लिख लिया है ना, और ऊपर वाले 2 को यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। और जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे, जो दोनों डिनोमिनेटर्स थे उनको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। हाँ, अब देखिए 3 1 जा 3 + 1 हो जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 3, फिर प्लस
3 जा 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, 11 अपॉन 3 ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 3 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 4 प्लस 11 हो जाएगा, 4 प्लस 11 ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 15, नीचे है 3, 3 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5। तो ये आ गया हमारे पास में के पार्ट का फाइनल आंसर, के पार्ट का आंसर आ गया 5। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का एल पार्ट। क्वेश्चन के एल पार्ट में हमारे पास में है 4 2 अपॉन 3 प्लस 3 1 अपॉन 4, हमने इनको ऐड करना है ना। अब हम सबसे पहले 4 को 3 के साथ में इंटू करेंगे, है ना, फिर ऊपर जो ये 2 है इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, नीचे है 3 तो नीचे 3 लिख लेंगे, हाँ, फिर प्लस, फिर इसके बाद में हमने 3 से 4 को इंटू करना है, है ना, ऊपर जो 1 है उसको ऐड कर लेना है, नीचे है 4 तो हमने नीचे 4 को लिख लेना है। अब देखिए 4 थ्री जा 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, नीचे है 3। अब 3 4 जा 12 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 13, नीचे है 4, ठीक है। अब देखिए 3 एंड 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो 4 से हम 14 को इंटू करेंगे, तो 4 14 जो होता है 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 56 होता है, बीच में है प्लस लगाएंगे प्लस, फिर हमने 3 से क्रॉस में इस 13 को इंटू करना है तो 3 इंटू 13 हो जाएगा 39। फिर हमने डिनोमिनेटर में इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इंटू करके लिखना है तो 3 4 जा 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो 6 एंड 9 होता है 15, 15 का 5 1 कैरी हो जाएगा तो 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास में 9, नीचे है 12, ठीक है। अब ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो हमने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लेकर के आना है, तो हम 12 से 95 को डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखिए 12 7 जो होता है 84, माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 1 11, तो देखिए रिमाइंडर बच गया 11, तो हमने ऊपर लिखना है, डिवाइजर है 12 इसको नीचे लिखना है, जो कोशेंट है 7 इसको आगे लिखना है, तो ये आ गया हमारे पास में 7 11 अपॉन 12, ये आ गया हमारे पास में एल पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। एल पार्ट का हमारे पास में यहाँ पर आंसर आ गया 7 11 अपॉन 12। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का एम पार्ट। क्वेश्चन के एम पार्ट में हमारे पास में है 16 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर हमारे पास में 5 है, दोनों ही डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 5 है ना, तो हमने क्या करना है, एलसीएम 5 एंड 5 का यहाँ पर 5 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, दोनों ही 5 है तो एलसीएम 5 आ जाएगा। ऊपर है 16 माइनस 7 तो ऊपर लिख लेंगे 16 माइनस 7। अब देखिए 16 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 9, ठीक है, एंड नीचे हमारे पास में 5 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 5 से 9 को डिवाइड कर लेंगे ना, तो 5 इन जा 5 माइनस करने पर 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 बच गया, इसको ऊपर लिखेंगे, जो डिवाइजर है 5 इसको हम नीचे लिखेंगे, जो कोशेंट है 1 इसको आगे लिख लेंगे, तो हमारे पास में एम पार्ट का आंसर आ गया 1 4 अपॉन 5, ये 5 है हाँ। तो ये आ गया हमारे पास में एम पार्ट का फाइनल आंसर। अब देखिए हमने एन पार्ट को सॉल्व करना है, एन पार्ट में हमारे पास में है 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 एंड 2, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इस पर कोई भी कॉमन फैक्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम 2 से क्रॉस में इंटू करेंगे 4 को तो यहाँ पर आ जाएगा 8, बीच में है माइनस लगाएंगे माइनस, फिर हम 3 से क्रॉस में इस 1 को इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, नीचे हम दोनों ही डिनोमिनेटर्स को इंटू करके लिखेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6, ठीक है। अब 8 में से 3 गया तो यहाँ पर आएगा 5, नीचे है 6, तो ये आ गया हमारे पास में एन पार्ट का फाइनल आंसर। एन पार्ट में जो 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 है इसका आंसर आएगा 5 अपॉन 6। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।